दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक खबर पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जियो ब्राउज़र के बारे में। आप में से बहुतों को मालूम होगा और बहुत को नहीं मालूम होगा कि जियो का एक ब्राउज़र भी आ गया है जियो ब्राउज़र के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, काफ़ी फास्ट ब्राउज़र है और हमें इसमें लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आपको फुल रिव्यू दिखाने वाला हूँ जियो ब्राउज़र ऐप का, और साथ में आपको इसकी स्पीड टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब आ चुके हम अपने मोबाइल पर। चलिए अब दिखा देते हूँ कि आपको जो जियो ब्राउज़र ऐप है उसको डाउनलोड कहाँ से करना है और इसकी एक एक सेटिंग क्या है और आप किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर आपको सर्च कर देना है जियो ब्राउज़र लिखकर। तो आपके सामने ये जियो ब्राउज़र आ जाएगा इस प्रकार से। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके चलिए ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसका आगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे, उसके बाद सीधे आप जियो ब्राउज़र के होम में आ जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पर आपको नीचे में मिल जाते हैं ऑप्शंस होम का, बैक का, फॉरवर्ड का, और पेजेस का, और बुकमार्क्स का, और यहाँ पर और भी कुछ खास नहीं, वही बाकी ब्राउज़र्स की तरह ही है ये सेटिंग्स। और ऊपर में मिल जाता है आपको URL टाइप करने का जगह, जहाँ से आप कोई भी URL टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएंगे, यहाँ पर पढ़ने के लिए न्यूज़ से बहुत सारे दिए हुए हैं शॉर्टकट क्रिएट करके। इसके बाद नेक्स्ट में आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप वीडियोज़ न्यूज़ देख सकते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ साइट्स के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी भी साइट्स में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से फेसबुक, इंस्टा जो है, बाकी बहुत सारे ब्राउज़र दिए हुए हैं, इसमें डायरेक्टली जा सकते हैं। चलिए अब जाके देखते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें मिलता है न्यू टैब, रिसेंट टैब, हिस्ट्री और सेटिंग। सेटिंग में ओपन करके देखते हैं कि क्या है। सेटिंग में जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक सबसे स्पेशल चीज़ मिलता है चेंज लैंग्वेज का, जिस पर आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके इस ब्राउज़र को यूज कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी ब्राउज़र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ही कमाल का ब्राउज़र है ये जियो ऐप। चलिए टेस्ट करते हैं इसकी स्पीड को। मैं इस न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि वो कितनी स्पीड खोल लेता है। तो देख रहे होंगे कि नेट की स्पीड मेरी काफ़ी स्लो है, फिर भी बहुत जल्दी खुल गया है और खुलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना आप कहीं से रुका है। तो दोस्तों, ये ब्राउज़र मेरे विचार से काफ़ी अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि साइज़ भी इसका बहुत कम है, बस 3 MB का ही ब्राउज़र है, जो आपके मोबाइल के फ़ोन मेमोरी को भी फुल नहीं करेगा। तो आप भी इस ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो गाइस, आप लोगों को फाइनली ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों से विदा लेता हूँ।